मैं बाड़मेर बोल रहा हूं। राजस्थान की संस्कृति मनमोहक पनिहारियों, ऊंटों और ऊंट चरवाहों की रंग बिरंगी पगड़ियों, लोकगीतों, धोरारी धरती की सुंदर छवियां अपने अंदर समेटे रखता हूं। आपको बताते चलूं, मैं ब्लैक गोल्ड के उपनाम से भी प्रसिद्ध हूं। मेरा ब्लैक गोल्ड नाम इसलिए पड़ा क्योंकि मेरे यहां असंख्य मात्रा में क्रूड ऑयल पाया जाता है, जिसमें पेट्रोल, डीजल और अलग अलग प्रकार की गैसों के भंडार मिले हुए हैं। लेकिन अलग अलग पदार्थों की मिक्स की वजह से मेरे यहां का तेल थोड़ा महंगा पड़ता है। इस वजह से पूर्व की सरकारों ने मेरी खासियत पर ज्यादा गौर नहीं किया, लेकिन अब मेरे बाड़मेर की परिधि में मौजूद पचपदरा नामक स्थान पर 1,000 एकड़ में फैली रिफाइनरी का निर्माण हो रहा है। इसके बाद हो सकता है कि मेरे परिधि में मौजूद तेल को निकालकर उससे देश की अर्थव्यवस्था मजबूत की जा सके। मेरे यहाँ का व्हीकल रजिस्ट्रेशन RJ04 से शुरू होता है। मेरे यानी बाड़मेर शहर की स्थापना और शासकों की कहानी भी बड़ी अनोखी है। बाड़मेर की स्थापना 13वीं सदी में राव बहड़राव परमार ने की और उन्हीं के नाम पर बाड़मेर नाम पड़ा। बहड़राव परमार जूना बाड़मेर के शासक थे तथा जूना बाड़मेर की पहाड़ी पर ही बहड़राव परमार ने एक छोटे से किले का निर्माण भी कराया था, जो जूना बाड़मेरगढ़ के नाम से जाना जाता है। इस किले को आज भी आप देख सकते हैं। रखरखाव और रिपेयरिंग के अभाव में किला जीर्ण शीर्ण होता जा रहा है। जूना बाड़मेर वर्तमान बाड़मेर शहर से 25 किलोमीटर दूर स्थित है। परमारों के बाद जूना बाड़मेर पर चोराहों का आधिपत्य हुआ। उसके बाद रावत लूका ने अपने भाई रावल मंडली की सहायता से चौहान शासक राव मंधाजी से बाड़मेर जीता। वह जूना बाड़मेर अपने राज्य स्थापित कर जूना को अपनी राजधानी बनाया। रावत लूका के बाद क्रमशः रावत शेखा, रावत जैता, रावत रतावे, रावत भीम हुए। रावत भीम जो एक कुशल शासक व योद्धा थे, उन्होंने 15वीं से 16वीं ईस्वी के बीच अपनी राजधानी को जूना बाड़मेर से स्थानांतरित किया। वर्तमान बाड़मेर शहर की स्थापना की। पुराने बाड़मेर जूना में स्थित को जूना बाड़मेर व नए बसाए गए बाड़मेर को नया बाड़मेर कहा जाने लगा। कालांतर में नया शब्द धीरे धीरे हटता गया, वह बाड़मेर शब्द प्रचलन में आया। 7 अप्रैल 1948 को भारत सरकार ने राजस्थान राज्य में मुझे एक नया जिला बनाया। मौज में यानी बाड़मेर में सबसे लंबी नदी लूणी नदी है। यह जालौर के माध्यम से गुजरकर कच्छ की खाड़ी के समीप ही भूमि में सोख ली जाती है। विभिन्न ऋतुओं में तापमान में बदलाव काफी अधिक है। गर्मी में तापमान 51 डिग्री सेल्सियस तक और सर्दियों में यह 0 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। एक साल में औसत वर्षा केवल 277 मिलीमीटर है और मुख्य रूप से बाड़मेर जिला एक रेगिस्तान है। फिर भी 16 और 25 अगस्त 2006 के बीच 549 मिलीमीटर की चरम वर्षा से बाढ़ आई थी, जो कई लोग यहाँ मारे गए थे और भारी नुकसान हुआ था। बाड़मेर के मुख्य उपजिला की उपाधि पाए गांव में मुख्य 9 गांव हैं। उनके नाम बाड़मेर, नौखड़ा बायत, चौहटन, गुड़ामालानी, पचपदरा, रामसर, शिव एवं सिवाना है। चलते चलते अब मैं मुझ में विद्यमान मुख्य जगहों और स्मारकों और किलों की आपको सैर कराता हूँ। सबसे पहले मैं आपको लेकर चलता हूँ ब्रह्मा जी के मंदिर, जो आसोतरा में मौजूद है। सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी को हिंदुओं के भगवान हैं। इनके दो रूप हैं, विष्णु और महेश। ये ब्रह्मा जी के अवतार हैं। ब्रह्मा जी का एक मंदिर पुष्कर राजस्थान में स्थित है और दूसरा मंदिर यहाँ है, जो पीले सुनहरे पत्थरों से बना है, जो विशेष रूप से जैसलमेर के पत्थरों से बनाया गया है। इस मंदिर का विश्राम ग्रह जोधपुरी पत्थर यानी चित पत्थर से बनाया गया है। मंदिर में
ब्रह्मा जी की मूर्ति स्थापित है जो संगमरमर की बनाई गई है। इस मंदिर की स्थापना 20 अप्रैल 1961 में शुरू हुई थी। यहाँ हर दिन 200 किलोग्राम तक की अनाज पक्षियों को खिलाए जाते हैं। जो भारत का पहला ऐसा ब्रह्मा जी का मंदिर है जिसमें ब्रह्मा जी के साथ मादा सावित्री विराजमान है। इस मंदिर का निर्माण राज पुरोहित जागीरदार समाज के कुलगुरु श्री श्री 1008 श्री खेताराम जी महाराज ने करवाया गया था, इसलिए इस पवित्र मंदिर को राज पुरोहित समाज की राजधानी भी कहा जाता है। बाटाडो का कुआं, संगमरमर से निर्मित यह कुआं बायतू तहसील के बाटाडो कस्बे में बना है। कलात्मकता एवं धार्मिक आस्था का केंद्र यह कुआं ऐतिहासिक धरोहर के रूप में जाना जाता है। राजस्थान के इतिहास में इस कुएं को जल महल के नाम से भी जाना जाता है। रियासतकालीन यह कुआं जो बीते कई दशकों से बाटाडो एवं मेरे आसपास के गांवों के लिए पीने के पानी का महत्वपूर्ण स्रोत रहा है। हालांकि अभी वहां पर केयर्न कंपनी द्वारा पानी को आरओ फिल्टर करके वाटर एटीएम के जरिए भी उपलब्ध करवाया जा रहा है, लेकिन फिर भी इस कुएं का महत्व कम नहीं हुआ। बाटाडो मुख्यालय पर स्थित यह कुआं 60 फीट लंबा, 35 फीट चौड़ा, 6 फीट ऊंचा व 80 फीट गहरा है। कुएं की उत्तर दिशा में एक बड़ा कुंड बना है जिसकी गहराई 5 फीट है। इस कुंड के बीच में एक मकराना निर्मित पत्थर के स्टैंड के ऊपर बड़े आकार में संगमरमर की गरुड़ प्रतिमा बनी है जिस पर भगवान विष्णु पत्नी लक्ष्मी जी के साथ विराजमान है, जो कुएं का मुख्य आकर्षक है। इस कुएं पर जाने के लिए एक मुख्य द्वार तथा एक निकासी द्वार है। इन दोनों द्वार पर ऐसी दो प्रतिमाएं लगी हैं। इसके चारों ओर श्लोक के साथ ही कई राजा महाराजाओं और देवी देवताओं की कला का वर्णन किया गया है। इसके बारे में यहाँ संस्कृति में उत्तीर्ण श्लोकों में गाय की महिमा का वर्णन किया है। सन 1947 के काल में मारवाड़ क्षेत्र में भयंकर अकाल पड़ा। उस दौरान यहाँ के लोग रोजी रोटी की तलाश में बाहर जाने के लिए मजबूर हुए और दूर दूर तक कहीं पीने का पानी उपलब्ध नहीं था। ऐसी स्थिति को देखते हुए शिणधरी रावल गुलाब सिंह ने इस कुएं का निर्माण करवाया था। अब चलते हैं जसोल। आपने कई हिंदू भगवान को स्मरण करने के लिए संगीतों में जसोल माता भाटियाणी का नाम तो सुना होगा। वो मेरी ही परिधि में विद्यमान है। यह एक चमत्कारिक देवी माता रानी भटियाणी का मंदिर है जो आसपास के लोगों को अपनी ओर सम्मोहित सा करता है। कहा जाता है कि देवी सबकी मनोकामना पूर्ण करती है। एक समय में जसोल मलानी का प्रमुख क्षेत्र था। रावल मल्लीनाथ के नाम पर परगने का नाम मलानी पड़ा। इस प्राचीन गांव का नाम राठौड़ उपवंश के वंशजों के नाम पर पड़ा। यहां पर स्थित जैन मंदिर और हिंदू मंदिर जसोल के मुख्य आकर्षण हैं। अब मैं आपको वैर माता मंदिर दर्शन के लिए ले चलता हूं। वैर माता मंदिर ये पहाड़ी के पीछे स्थित हिंदू मंदिर है जो मुख्य चौहटन शहर में है। शहर और मंदिर के बीच की दूरी 4 किलोमीटर है। इस मंदिर के पास 100 मीटर से अधिक ऊंचे रेत के टीले हैं। अब चलते हैं खेमा बाबा मंदिर बायतू, एक प्रसिद्ध धार्मिक स्थल जो बायतू तहसील में पड़ता है, जो खेमा बाबा के नाम से प्रसिद्ध है। यहाँ पर जाट तथा अन्य जातियां धूप लगाने आती हैं तथा आराधना करती हैं। यहाँ पर सर्प दंश से पीड़ित व्यक्ति को लाने से लाभ मिलता है। यहाँ पर मेला लगता है, इसमें हजारों की संख्या में भक्तगण आते हैं। अब चलते हैं बोथिया गांव। ये जैसलमेर रोड पर बसा हुआ एक गांव है जहां पर राज पुरोहित जाति का निवास, जिनकी जनजाति भी बोइतिया है। यहां पर एशिया की सबसे बड़ी ओपन माइन है। यहां तेल के बड़े कुएं भी हैं जो गुजरात जामनगर से जुड़ते हैं। साल 2008 के बाद बाड़मेर के लोगों को आय स्रोत तेल उद्योग है। यहाँ तेल के कई बड़े बड़े उद्योगपति हैं जो बाड़मेर में समाज सेविकों का दर्जा रखते हैं। इनमें शामिल हैं तन सिंह चौहान, उद्योगपति और समाज सेवी,
राम सिंह बोतिया उद्योगपति एवं समाजपति जो मेरे यहाँ के सरपंच हैं। अब चलते हैं खेड़। मेरे यहाँ के राठौड़ वंश के संस्थापक राव सिहा और उनके पुत्र ने खेड़ को गोहिल राजपूतों से जीता और यहाँ राठौड़ों का गढ़ बनाया। रणछोड़ जी का विष्णु मंदिर यह एक प्रमुख आकर्षण है। मंदिर के चारों ओर दीवारें बनी हैं और द्वार पर गरुड़ की प्रतिमाएं लगी हैं। इसे देखकर लगता है मानो कि वे मंदिर की रक्षा कर रहे हों। पास ही ब्रह्म भैरव महादेव और जैन मंदिर भी हैं जो सैलानियों का मुख्य आकर्षण का केंद्र हैं। चलते चलते मैं आपको गांव महलू ले चलता हूँ। जिला मुख्यालय से 41 किलोमीटर दूर महलू गाँव स्थित है, जहाँ धर्मपुरी जी का मंदिर है तथा यहाँ विशाल मेला भरता है। जहनकली यह गांव गढ़ारा रोड तहसील पर पड़ता है। यहाँ पर अधिकतर आबादी चारण जाति जो देवी पुत्र है निवास करती है। यहाँ पर शिला माता मंदिर ढाकनिया और श्री देमा लच्छा माता मंदिर व करणी माता देवल माता मंदिर स्थित हैं। यहाँ एक पवित्र भूमि है जिसे देवियों की भूमि कहा जाता है। अब मैं लिए चलता हूँ आपको एक रहस्य मंदिर, किराड़ो मंदिर। यह मंदिर और शहर को लेकर कई भूतियाँ फैक्ट जो आज भी आपको बताने वाला हूँ। ये जगह पिछले 900 साल से वीरान है और आज भी यहाँ पर दिन में कुछ चहल पहल रहती पर शाम होते जगह वीरान हो जाती है। सूर्यास्त के बाद यहाँ पर कोई भी नहीं रुकता है। राजस्थान के खजुराहो धोरों के गढ़ बाड़मेर में किराड़ो का मंदिर वर्तमान हतमा गांव में जर्जर हालात में उपस्थित है। किराड़ू को राजस्थान का खजुराहो कहा जाता है। दक्षिण भारतीय शैली में बना किराड़ू का मंदिर अपने स्थापत्य कला के लिए प्रसिद्ध है। मेरे बाड़मेर से 43 किलोमीटर दूर हतमा गांव में मंदिर है। खंडहर नुमा जर्जर से दिखने वाले 5 मंदिरों की श्रृंखला की कलात्मक बनावट देखने वालों को मोहित कर लेती है। कहा जाता है कि 1161 ईस्वी तक इस स्थान का नाम किराटकूप था। करीब 1000 ईस्वी में यहाँ पर 5 मंदिरों का निर्माण कराया गया। लेकिन मेरे इन मंदिरों का निर्माण किसने कराया, इसके बारे में कोई पुख्ता जानकारी तो नहीं है। लेकिन मंदिरों की बनावट शैली देखकर लोग अनुमान लगाते कि इनका निर्माण दक्षिण के गुर्जर प्रतिहार वंश, संगम वंश या फिर गुप्त वंश ने किया है। मंदिरों की इस श्रृंखला में केवल विष्णु मंदिर और शिव मंदिर, सोमेश्वर मंदिर थोड़े ठीक हालात में हैं, बाकी मंदिर खंडहरों में तब्दील हो चुके हैं। श्रृंखला में सबसे बड़ा मंदिर शिव को समर्पित नजर आता है। खंभों के सहारे निर्मित ये मंदिर भीतर से दक्षिण के मीनाक्षी मंदिर की याद दिलाते हैं, तो इसका बाहरी आवरण खजुराहो का रंग लिए है। काले व नीले पत्थरों व हाथी घोड़ व आकृतियों की नक्काशी मंदिर की कलात्मक भव्यता को दर्शाती है। श्रृंखला का दूसरा मंदिर पहले के आकार में छोटा है, लेकिन यहाँ शिव एवं विष्णु की प्रधानता है जो स्थापत्य और कलात्मक दृष्टि से काफी समृद्ध हैं। शेष मंदिर खंडहर में बदल चुके हैं। मेरे राजस्थान के इतिहासकारों के अनुसार किराड़ो शहर अपने समय में सुख सुविधाओं से युक्त एक विकसित प्रदेश था। दूसरे प्रदेशों के लोग यहाँ पर व्यापार करने आते थे, लेकिन 12वीं शताब्दी में जब किराड़ो पर परमार वंश का राज था, तब मेरा यह शहर अचानक से वीरान होता चला गया। आखिर ऐसा क्यों हुआ, इसकी कोई पुख्ता जानकारी मेरे पास नहीं है, पर यह शहर सूरज ढलने के साथ ही वीरान हो जाता है। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि किराड़ो मुगलों के आक्रमण के कारण वीरान हुआ, लेकिन इस प्रदेश में मुगलों का आक्रमण 14वीं शताब्दी में हुआ था और किराड़ो 12वीं शताब्दी में ही वीरान हो गया था। इसलिए इसके वीरान होने के पीछे कई और कारण हैं। अब आता हूँ सीधा का सीधा नाकोड़ा जैन मंदिर। मंदिर से प्रख्यात इस मंदिर के द्वार पर 2 हाथियों का झुंड मानो आपका स्वागत करने के लिए आतुर खड़ा हो। विशाल जैन मंदिर की कई मूर्तियों के दर्शन कर सकते हैं। अगर आप नाकोड़ा जैन मंदिर जाएं तो वहां पर स्थित भोजनालय में शुद्ध और सात्विक भोजन अवश्य करें। वहां का भोजन आपको इतना अच्छा लगेगा कि आपको अपनी नानी दादी यानी घर की याद आ जाएगी। अब चलते हैं पचपदरा में मौजूद माँ सांबरा आशापुर मंदिर साल्ट। जिस प्रकार माँ के नाम में ही साल्ट लिखा है,
पचपदरा में मेरे यहाँ के खरवाल जाति के लोगों के लिए ऐसा मानना है कि एक समय यहाँ वीरान मरुधर में कमाई के अभाव में खारवाल समाज के लोग परेशानी से अपनी जिंदगी गुजर बसर कर रहे थे। वहीं पास में ये खारवाल समाज के ऋषि सोए हुए थे। उनके स्वप्न में देवी आशापुरा के दर्शन हुए और उनको देवी ने एक जगह बताई और खुदाई करके देवी की मूर्तियां निकालने के लिए कहा गया और साथ में ये भी कहा गया कि मेरी स्थापना करने के बाद इस खारवा समाज का कोई भी इंसान इस रेतीली जमीन पर गड्ढा खोद के बारिश के पानी को इकट्ठा करेगा उसमें नमक पैदा होने लग जाएगा। तब से लेकर आज तक खारवाल समाज का पैतृक काम नमक बनाने वाला हो गया है। अभी कुछ वर्षों पहले तक मेरे यहाँ खारवाल समाज सिर्फ और सिर्फ यही नमक बनाने के एकमात्र व्यवसाय को अपनी प्रमुख आय का स्रोत बनाए हुए हैं। सभी खारोल और खारवाल समाज के लोग आशापुर या शाकंबरी माता को पूजते हैं और अपनी कुलदेवी मानते हैं। खारोल खारवाल समाज मुख्य रूप से मेरे मारवाड़ सहित भीलवाड़ा उदयपुर चित्तौड़गढ़ में मौजूद हैं और इसके अलावा मध्य प्रदेश के कई जिलों में बिखरे हुए मिल जाएंगे। लेकिन जहां पर नमक की बड़ी बड़ी खदानें थी उस जगह को सरकार ने अपने कब्जे में ले लिया क्योंकि वहां पर भारत की सबसे बड़ी रिफाइनरी का निर्माण हो रहा है। मेरे यहाँ के लोगों में खुशी की लहर तो है, क्षेत्र में रोजगार का सर्किल बढ़ेगा, लेकिन उनकी सरकार से मांग है कि जिस जिसकी भी जमीन रिफाइनरी में गई है उनके परिवार के सदस्य को रिफाइनरी में नौकरी दी जाए। देखा जाए तो ये मांग गलत भी नहीं है। मैं बाड़मेर कुल 28,387 वर्ग किलोमीटर की परिधि में फैला हुआ हूँ। 2011 की जनगणना के अनुसार मेरी जनसंख्या 26 लाख से थोड़ी सी ऊपर है और बाड़मेर राजस्थान राज्य का जिला है। मेरी परिधि की सीमाएं एक तरफ पाकिस्तान जैसे नापाक देश से जुड़ी हैं तो वहीं दूसरी तरफ मैं राजस्थान के ही जिलों से जुड़ा हुआ हूं, जिसमें मेरी सीमाएं मिलती हैं जैसलमेर, जोधपुर, जालौर और एक छोटा सा हिस्सा पाली जिले से भी जुड़ा हुआ है। मेरे बाड़मेर की कुल 17 तहसीलें हैं। मैं बाड़मेर एरिया के हिसाब से राजस्थान का 3रा सबसे बड़ा जिला हूँ और भारत के हिसाब से 5वा सबसे बड़ा जिला हूँ। मेरे यहाँ निवास करने वाले लोगों में लगभग 86.2% हिंदू आबादी है, वहीं 12.34% मुस्लिम आबादी है, बाकी के जैन और सिख समुदाय के लोग रहते हैं। उत्तर लाई में स्थित भारत का पहला अंडरग्राउंड एयरबेस भी मुझ में ही विद्यमान है। मेरे यहाँ बोली जाने वाली भाषाओं में सबसे ज्यादा मारवाड़ी और राजस्थानी बोली जाती है, उसके बाद हिंदी और कुछ गाँव में सिंधी भी बोली जाती है। आपको बता दूं कि मेरे यहाँ रहने वाली जनता ने तो इस गर्मी को सहन करने की शक्ति विकसित कर ली है, परंतु यदि आप बाहर से आ रहे हैं तो गर्मी के दिनों की लू से आप बच नहीं सकते। दूर दूर फैली टीलों से दिन की भरी दोपहर में निकलने वाली तपती गर्मी का एहसास। अगर आप अपने निजी वाहन से बाड़मेर घूमने आ रहे हैं तो गर्मी के दिन जैसे ही आप अपने एयर कंडीशन वाहन से बाहर का दरवाजा खोलेंगे तो तपती धरती और रेतीले पहाड़ों से जो गर्म हवाएं आपको घेरेंगी उससे आप सहम सकते हो। पानी की किल्लत से भरा मेरा मरुधर प्रांत आज भी अपनी जीवन शैली अपने तरीके से जी रहा है। गर्मी के दिनों में पानी की किल्लत से मेरे यहाँ रहने वाले पशु पक्षियों का रहना सबसे ज्यादा मुश्किल हो जाता है। बाड़मेर में ऐसे कई गाँव हैं जहाँ छोटे छोटे तालाबों में टैंकरों से पानी भरा जाता है ताकि नाम मात्र में बचे वन्य जीवों का संरक्षण किया जा सके। छोटे छोटे गांवों और कस्बों में सरकारी नलों और पानी के अभाव में यहाँ की जनता ने अपने घरों में पानी के बड़े बड़े टैंकों का निर्माण किया है। जब भी बारिश आती है बारिश में बहने वाले पानी को इकट्ठा कर टंकियों में भर लिया जाता है और उस पानी को पूरे साल बूंद बूंद कर खर्च किया जाता है। अगर आप बाड़मेर की यात्रा के लिए निकलोगे तो आपको ऊँटों और भेड़ों का जमघट नजर आएगा। ऊंट से कई बार आपने पानी लाते और ले जाते हुए देखा होगा। आपने कई बार घरेलू महिलाओं को अपने सर पर पानी के घड़ों की लाइन देखी होगी। ये भी मेरे यहाँ पानी की कमी होने के कारण ही उठाना पड़ता है। कई जगहों पर कई कई किलोमीटर दूर से महिलाएं और पुरुष अपने सर पर घड़ों की सहायता से पानी लेकर आते हैं। बूंद बूंद की कीमत जाने मारो मरुधर देश। मैं आज भी गर्मी के दिनों में पानी के लिए तरस जाता हूँ। अब धीरे धीरे सरकारों ने पानी का इंतजाम शुरू किया है, फिर भी ये सब कोशिशें नाकाफी साबित हो रही हैं। मैं अपनी परिधि में रहन सहन
करने वाले पशु पक्षियों को देखकर तड़प सा जाता हूं, क्योंकि पानी के अभाव में उनकी हालत दयनीय है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, यदि आप भी मेरी इस धुरारी धरती बाड़मेर घूमने आ रहे हो तो मेरे द्वारा बताई गई इन जगहों पर जरूर जाना। मेरे यहाँ पहुंचने के लिए आप ट्रेन, बस या हवाई जहाज की सहायता ले सकते हैं। मेरे यहाँ की उड़ानें अभी शुरू नहीं हुई हैं और आपको जोधपुर होकर आना होगा। मैं बाड़मेर एक बार फिर आपका स्वागत करने के लिए तैयार हूँ, आपका अभिनंदन करता हूँ। पधारो म्हारे देश। जय हिंद, जय भारत।